बाप रे। ए लहर देख क्यों ना कमल लग गया। हम लोग अभी महानदी क्रॉस कर रहे हैं, ये महानदी पहुंच गए हम लोग भुवनेश्वर की धरती पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग उतर गए हैं और ये हम लोग का बस है। यहाँ सारा जो बस देख रहे हैं बहुत ही आकर्षणीय बस है, एकदम मस्त डिजाइन वाला। और ये आप देख रहे हैं, ये एक बस है जो कि पुष्पा का पूरा फोटो के साथ कैप्चर किया हुआ है। गजब का बस है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं भुवनेश्वर। और ये भुवनेश्वर में अभी हम लोग उतरे हैं और यहाँ हम लोग को डालमिया धर्मशाला लॉज मिला है। डालमिया धर्मशाला वहीं हम लोग अभी ठहरने वाले हैं। तो दोस्तों ये है धर्मशाला, डालमिया धर्मशाला, और इसी में हम लोग अभी ठहर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा नाश्ता यहाँ पे है रेडी, जो कि ब्रेड है, ब्रेड और केला और एक मीठा, और उसके बाद ये दोपहर के लिए खाना बन रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं लिंगराज मंदिर के लिए। दोस्तों ये हम लोग मंदिर के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन ये मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो जो भी कैप्चर कर पाएंगे बाहर से ही कैप्चर करेंगे। और मैं तो यहाँ और दो बार आ चुका हूँ, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। तो गाइज ये है मंदिर का बाहर का दृश्य, भुवनेश्वर मंदिर। और ये देखिए यहाँ उनका द्वार है मंदिर का, और यहाँ अंदर जाने का अलाउ नहीं है, क्योंकि अंदर जा सकते हैं लेकिन मोबाइल के साथ नहीं, और मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। तो इससे अच्छा मैं तो यहाँ 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। और आपको बता दूँ, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर शहर के सबसे प्रमुख मंदिर है लिंगराज मंदिर। और इस मंदिर की स्थापना यहाँ के राजा ययाई केसरी ने, मतलब उस समय 11वीं शताब्दी में बनाए थे। और इनकी कलाकृति जो है उस समय उतना नहीं बनाया गया था, लेकिन 12वीं शताब्दी से पूरा जो अभी दिख रहा है इसका कलाकृति, वो 12वीं शताब्दी में पूरा कंप्लीट होके तैयार हुआ था। और अभी धीरे धीरे ये रेनोवेट होते जाता है अक्सर, मतलब इसका और भी मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन जो भी वो बहुत गजब का सीनरी है। और इसका जो आकृति है, मुख्य द्वार से आप जैसे ही घुसेंगे बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन काश अगर मोबाइल अंदर ले जाने का मिलता तो और भी अच्छा से सारा कुछ कैप्चर करते हैं और दिखाते कि आपको अंदर का जो हिस्टोरिकल एक एक चीज़ कैसे ये बनाया गया पत्थर से, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलता। ये देखिए, ये है बाहर का सीन। खाना खाने बैठे हैं और ये देखिए हम लोग को अभी खाने पे आलू मटर पटल और ये कोपी का भुजिया है, और साथ में पापड़ और चटनी दाल भात। तो इसलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे चिल्का झील। तो गाइज हम लोग लिंगराज मंदिर दर्शन करने के बाद वहाँ से वापस धर्मशाला आ गए, और धर्मशाला आके यहाँ पे हम लोग अभी भोजन किए और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद अभी अपना फिर से बस पे जा रहे हैं। और बस पे जाने के बाद वहाँ से हम लोग अभी चिल्का झील के लिए निकलेंगे। और चिल्का झील का कितना किलोमीटर है यहाँ से मोटा मोटी? 80-90 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो अभी थोड़ा सा लंबा सफ़र है, तो आराम से रेस्ट करेंगे और वहाँ जाके देखते हैं कितना देर लगता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं वहाँ का सारा कुछ, चिल्का झील के आसपास का नज़ारा। तो चलते हैं। तो ये है वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स चिल्का लेक बड़कुल।
जगह का नाम है बड़कुल। तो गाइज अभी हम लोग बड़कुल पहुंच गए हैं, चिल्का झील जो कि भारत का सबसे बड़ा तटीय खाड़ी है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय खाड़ी है, और ये खारे पानी का झील भी है, दुनिया का सबसे खारा पानी यहाँ पे मिलता है, ये देखिए। और हमारे सारे ग्रुप आगे आगे जा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये नाव का भाड़ा बताया जा रहा है कि 100 रुपया। ये माँ काली जय मोटर डांगा मल्लिका सिंगा, यहाँ से मोटर भाड़ा है ये जो। तो चलिए चलता हूँ, 100 रुपया भाड़ा है तो क्या हुआ, घूम के आता हूँ, देखते हैं क्या है वहाँ पे। ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे कोई मंदिर है। वाओ, पूरा समुंदर का पानी, दूर तक कोई घर नहीं। हमारे ड्राइवर बाबू अभी बोट को चालू करने वाले हैं, तो पहले तेल डाल कोई फैन का चल रहा है, फैन का गुल्ले रास्ता चेंज हो जाए। तो गाइस ये देखिए हमारे ग्रुप में ये लोग हैं। तो आप पहली बार आए हैं? पहली बार इसका झील में। और ये सारा ग्रुप है, और ये हम लोग अभी सफ़र शुरू कर दिए हैं, आगे उस पार में काली मंदिर है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए सफ़र का मज़ा लीजिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलाते हैं क्या, कितना डेली देना पड़ता है? 200 रुपये किराया। बाकी कितना बार चलाते हैं ये, कितना बार अप एंड डाउन होता है आप लोग का? एक ही बार। डॉल्फिन कब नज़र आता है? डॉल्फिन दिन में। ये देखिए ये मछुआरा है, और ये लोग कितना दूर आकर मछली पकड़ने लगे। तो गाइस देख सकते हैं सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। कितना किलोमीटर होगा? 8। तो उस पार से इस पार 8 किलोमीटर है, जहाँ पे हम लोग काली मंदिर का, काली माता का दर्शन करेंगे। काली मंदिर जाके हिलने लगा, यहाँ ज़्यादा लहर है। लहर इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डीप नहीं है ना, इसीलिए। ओ अरे बाप रे, तो गाइस देख सकते हैं हम आधा से ज़्यादा भींग गए हैं लहर के पानी से। और ये और थोड़ा दूर है अभी पहुंचने में, लेकिन यहाँ जो लहर है काफ़ी उफाल में है, और पूरा हम लोग का नाव है पूरा उछल उछल के, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। आप भी आई होप मज़ा ले रहे होंगे, मज़ा एंजॉय कर रहे होंगे हमारा ब्लॉग देख के। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, वहाँ मंदिर में पहुँच के बाकी वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। अरे बाप रे, बता 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 बता, वो चीटा आएगा ये भाई। काफी डर लग रहा है, मैं पहली बार चिल्का झील आया था, और ये संतोष सागर में मंदिर देखने दर्शन करने जा रहा हूँ, काली मंदिर। लेकिन कितना लहर होगा बोलते हमको अंदाजा भी नहीं था। क्या कह रहे हैं? पिता केमन लगे बोलबे हमरा भेजे गल किसी छुट्टियाँ कैसे पूरा ढो रहे हैं, देखो हालत खराब है। कौन लग चलोगी है? टाइटन है मतलब बैग कौन उठा क्या ले रहा, उठा स्विमिंग पूल है कोरियन से जाना। तो वे हम दे जमशेदपुर हम दे एक टुकु दूर के जावे तो 50 टका भाड़ा।
কইনা শেউতিত লাগাই দরি সোনার হার খুলিয়া কইনা রে আগা নাও হে ডুবু ডুবু পাছা নাও হে বৈশ ঢোঙায় ঢোঙায় ছে কোম্পানি রে तो गाइस देख सकते हैं हम लोग माँ काली मंदिर पहुँच गए हैं। बहुत लंबा सफ़र था, तो उधर से उतरना है ना। चलो चलो उठो, चोटी रखी जाए, चोटी रखी जाए। आराम से इस भैया, आराम से आराम से। तो ये रहा माँ काली जय, माँ काली मंदिर जो कि बंगो सागर के किनारे, एकदम बंगो सागर के। तो ये हम लोग उतर गए हैं और ये रहा माँ काली मंदिर जो कि बंगो सागर के किनारे है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। बीच में तो डर ही लगने लगा था, नहीं है ना पीछे मजे एम लगते थे, बाप रे एकदम जल ढुके जाए मतन। तो समुद्र के किनारे काफ़ी सुंदर दृश्य है और समुद्र चारों तरफ पानी होने के कारण काफ़ी तेज हवा चल रही है। हो जाओ दर्शन। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रथम बार आ लेना। अरे पिछा ये तो हवाई तो कोनो सुना पक नहीं हवाई तो क्यों मन कौन गिला इगिला पानी का यार। अरे काकू हाँ हमरा अच्छी उड़ीसा চিল্কা হ্রদ পৃথিবী বিখ্যাত হ্রদ, যেটা চিল্কা হ্রদ কালী মাতার মন্দির। হ্যাঁ চিল্কা হ্রদ যেটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের এই এলাকার মধ্যে মাতার মন্দির। হ্যাঁ আমরা সবাই গ্রুপে এসেছি, হ্যাঁ হারুদা পরিচালিত, কার্তিক মাহাতো, দেবেন মাহাতো, হ্যাঁ মাথন সেন এবং সকল যাত্রী নিয়ে আমরা এসেছি কালী মন্দিরে নতুন লঞ্চ করে, বেসরকারি লঞ্চে। হ্যাঁ 110 টাকা করে ভাড়া, তারা নিল 100 টাকা করে। 110 টাকা করে মানে চলে আছে আমাদের পুরো এতে পরিচালক হিসাবে সমীর মাহাতো। ঠিক আছে। আবার गाइज ये हम लोग का अभी रोटी और मिष्टी और ये सब्जी है और इन्होंने तो भात और आलू का चोखा लिया है। क्यों हम यही खाते हैं, यही खाते हैं। दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, चामुंडा माई की, रामेश्वर धाम की, रामेश्वर धाम की, कन्याकुमारी माता की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, श्री अरविंद की, अपन अपन पिता माता की, अपन अपन गुरुजन की, परमानंद की। সেখানে আছে মানে কি বলবো নারায়ণ নরসিংহ রূপে হিরণ্যকশ্যপকে যেখানে বধ করেছিল সেই মন্দির কাল দেখানো হবে, আর কৈলাসগিরি জাহাজ বন্দর ভাইজাগারা বিভিন্ন পয়েন্ট দেখানো হবে কালকে, আর ওখানে নাইট হল হবে,
निषेध पत्र।